मैंने उस करण को गली के नुक्कड़ पे चंपा के साथ आइसक्रीम खाते हुए पकड़ा, इसलिए मैंने गुस्से में उसे जोर से गुस्सा मारा। तुमने बिल्कुल सही किया रिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। बस बहुत हुआ, मैं इस पावर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ये पावर दे रही हूं। हाँ, ये सब कितना अजीब है, वो किस बारे में बात कर रही थी? कुछ नहीं जिया, उसकी आदत है अकेले में बड़बड़ाने की। मैं अपनी बेस्टी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ओ आई लव यू टू रिया। क्या? लेकिन मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं बोला। ओ हाय बेबी। हाय चंपकलाल। जिया, क्या आज हम दोनों मूवी देखने चल रहे हैं ना? नहीं चंपकलाल, मैं नहीं आ सकती, मुझे पढ़ना है। जिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मुझसे ज्यादा प्यार करती थी। चंपकलाल, तुम मेरे बेचारे मरे हुए बॉयफ्रेंड को बार बार बीच में क्यों लाते हो? क्या? लेकिन मैं उसे बीच में कब लाया? मैंने तो उसका नाम लिया ही नहीं। क्या हुआ जिया, तुम ठीक तो हो ना? चंपकलाल, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बाय। क्या हुआ जिया, तुम थोड़ी गुस्से में लग रही हो? कुछ नहीं यार, मेरा बॉयफ्रेंड चंपकलाल फालतू में मेरे मरे हुए बॉयफ्रेंड को खुद से कंपेयर करता है। वही बॉयफ्रेंड जिसका मर्डर हो गया था? हाँ। जिया, तुम्हें अपने पुराने रिलेशनशिप की वजह से नए रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं क्या करती, मुझे उसे जान से मारना ही पड़ा, उसने मेरा प्यार जिया को मुझसे छीन लिया था। यस, आखिर वो दिन आ ही गया, अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बहन को किसने मारा है। मैं अपने बहन के कातिल को ढूंढ के रहूंगी। उसका एक हाथ टूटा हो या फिर वो गंजा हो, अगर वो गंजा हो जाएगा तो वो वीक भी लगा सकता है। इससे अच्छा मैं यही चूज करती हूँ, इससे मैं एट अ टाइम उसे ढूंढ पाऊंगी। वो रेड कपड़े पहने या फिर व्हाइट? रेड कपड़ों से मैं उसे जल्दी ढूंढ पाऊंगी। हे भगवान, ये तो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। सॉरी गाइस, आज मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या, लेकिन तुम्हें देर कैसे हो गई? वो क्या है ना, मेरी स्कूटी का ब्रेक नहीं लगा तो गिरने की वजह से मेरे हाथ में चोट लग गई है। हाँ, इसका तो एक हाथ टूटा हुआ है। अब चंपा कली, तुमने ये रेड कलर का टॉप क्यों पहना है? वो गिरने की वजह से मेरे व्हाइट कलर का टॉप खराब हो गया था, इसलिए मुझे रेड कलर का पहनना पड़ा। क्या गाइस, क्या आपको पता है कि मेरी बहन मिस्टी को किसने मारा है? अगर पता चल गया तो जल्दी से कमेंट करो। तो मैं अपने लिए क्या चूज करूँ, एक पेन या फिर एक कार? क्या कार? ऑफ कोर्स मैं एक कार ही चूज करूंगी। जिया रुको, कार नहीं, पेन चूज करो। क्या? लेकिन क्यों मॉम, इस पेन में ऐसा क्या खास है? जिया मैंने कहा ना, चुपचाप पेन चूज करो। ओके जिया बेटा, ये देखो तुम्हारी पेन आ गई। हाँ मॉम, इस पेन में ऐसा क्या खास है, ये तो बस एक मामूली पेन है। तुम चुप रहो, ये नोटबुक लो और जल्दी से मेरे लिए कुछ ड्रॉ करो। क्या, ये सब क्या है मॉम? जल्दी से ड्रॉ करो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए क्या ड्रॉ करूँ? पैसे। हाँ, तुम मेरे लिए 500 की नोट ड्रॉ करो। क्या? अच्छा ठीक है, ये देखिए मॉम, मैंने 500 की नोट ड्रॉ कर दी। ये देखो, ये वही नोट है जो तुमने ड्रॉ की है। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये है कि इस पेन से मैं जो भी चीज ड्रॉ करूंगी वो सच्ची में आ जाएगी। हाँ। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जल्दी से अपने लिए कार ड्रॉ कर लेती हूँ। रुक जाओ जिया, सेल्फिश मत बनो, सबसे पहले तुम मेरे लिए कुछ ड्रॉ करो, मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत है। ये रहा आपके लिए आईफोन मॉम। अच्छा ठीक है, मैं अभी इंस्टा पर स्टोरी लगा के आती हूँ, और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम कुछ भी अपने लिए ड्रॉ मत करना। ओके। फाइनली मॉम ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं अपने लिए एक ऐसी चीज ड्रॉ करूंगी जो कोई सपने में भी नहीं सो सकता। हाँ, पुट योर फिंगर डाउन अगर तुम्हारे पास एक फोन है। अब ये सब क्या है? जिया चुपचाप वैसे ही करो जैसा तुम्हें बोला गया है, जल्दी करो। फाइन, अब ये सब क्या बोला है? पुट योर फिंगर डाउन गवर्नमेंट का नया रूल है, वो लोग तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुम्हारे पास वो चीज है या फिर तुमने वो चीज की है तो तुम्हें अपनी फिंगर को डाउन करना होगा, वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। क्या? पुट योर फिंगर डाउन अगर तुमने कभी भी बेड पे सुसू किया है। ये बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। चमेली, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इसका मतलब? पुट योर फिंगर डाउन अगर तुम्हारे सामने वाले के बॉयफ्रेंड पर तुम्हें क्रश है। ये काफी अच्छा था। हाँ, हे भगवान, मुझे फिंगर डाउन करना ही पड़ेगा। रिया, तुम्हारी फिंगर डाउन क्यों है? वो जिया राहुल इतना बुरा भी नहीं। हाँ? है। पुट योर फिंगर डाउन अगर लोग तुम्हारी वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ, अब क्या होगा? क्या हुआ जिया की बच्ची, डर गई क्या? अब फिंगर डाउन करना। गाइस, अपनी जिया जैस्मिन की इज्जत को बरकरार रखना। मेरी फैमिली रिच हो या फिर पुअर? ऑफ कोर्स रिच। हाँ, हे भगवान, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब मैं कंगाल हो गई। ओके मॉम, मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बाहर जाओ और जाकर लोगों से मदद मांगो। क्या? प्लीज प्लीज कोई मेरी मदद कीजिए प्लीज। ये लो बेटा 10 रुपए। क्या, सिर्फ 10 रुपए? 10 रुपए में क्या ही होगा? भीख मांगने से अच्छा है जाकर कुछ काम करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। मॉम, मैं घर आ गई। मॉम मॉम, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दवाइयों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। बेटा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज बेटा मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है आंटी, आप ये 10 रुपए ले लीजिए। हेलो डॉक्टर, क्या आप मुझे कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं? मैं कल आपको सारे पैसे लाकर दूंगी। क्या तुम्हें पता नहीं है मेडिसिन बहुत महंगी हो चुकी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुनो बेटा, आज तुमने मेरी मदद की थी और शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ नीता अंबानी और मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। हाँ, 10 करोड़ रुपए। चलो देखते हैं आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। क्या मैं किसी भी टाइम विजिबल और इनविजिबल हो सकती हूँ? वाओ। हाँ रिया, तू चिंता मत कर, मैं आज आपकी पार्टी में जरूर आऊंगी। और वैसे तो घर पर क्या बोलने वाली है? कुछ नहीं, बस मॉम को बोल दूंगी कि ग्रुप स्टडी के लिए जा रही हूँ। अरे वाह, मान गई जिया, तू तो बहुत स्मार्ट है बचपन से। जिया जिया बेटा, क्या तुम रूम में हो? लगता है मॉम आ गई। अरे ये जिया कहाँ गई, आवाज तो यहीं से आ रही थी, लगता है मुझे गलतफहमी हो गई है।
ये जियाड़ी एक नंबर की चोर है, खेपड़ी कहीं। ये कमोलिका ने मुझे बहुत परेशान किया है, आज तो इसकी खैर नहीं। ये पहला गुस्सा सर से मेरी शिकायत करने के लिए, ये दूसरा गुस्सा मेरा असाइनमेंट चोरी करने के लिए, और ये तीसरा गुस्सा राहुल के साथ डेट पर जाने के लिए। हे भगवान, मुझे कौन मार रहा है? भूत, मम्मी बचाओ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये कमोलिका और मंजुलिका ऐसे लड़ क्यों रही हैं? ये तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। एक काम करती हूँ, उनकी वीडियो बना लेती हूँ। मार मार, टकला कर दे उसको, टकला कर दे। एक गुस्सा और मार मेरी तरफ से, फाड़ दे उसके सारे बाल। हे भगवान, मंजुलिका तुमने कमोलिका को मार दिया? जी हाँ, तू यहाँ पे, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कुछ नहीं देखा मंजुलिका। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती। क्यों? ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद ज्यादा यूजफुल होती है? एक रबर बैंड। तुमने बिल्कुल गलत जवाब दिया है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो। नहीं जिया बेटा, इसका जवाब अंडा है, जल्दी से अंडा बोलो। अंडा। तुम अभी छोटी बच्ची हो इसलिए हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। जिया बेटा, तुमने अंडा क्यों नहीं बोला जबकि तुम्हें इसका आंसर पता था? क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लोग मुझे अपने साथ ले जाए, मुझे आपके साथ नहीं रहना मम्मी। हाँ जिया बेटा, वो लोग तुम्हें पकड़ कर एक गुलाग में ले जाएंगे। एक गुलाग? वो क्या होता है? एक ऐसी जगह जो बर्फ से बनी होती है और जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहाँ पर तुमसे इतना काम कराएंगे कि तुम मर जाओगी। जिया प्लीज प्लीज, मेरी रिडल को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करो। ऐसी कौन सी चीज है जो पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है? मुझे नहीं पता, शायद एक घड़ी की सुई। एक घड़ी की सुई? तुमने गलत जवाब दिया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इसका आंसर एस था। तुमने ऐसा क्यों किया जिया? याद है तुम एग्जाम में चीटिंग लेकर जाने पर तुमने मेरा नाम लिया था कि मैं चीटिंग लेकर आई थी? और अब जाके गुलाब में झाड़ू पोछा करना मेरी प्यारी चंद्रमुखी। मॉम, मैं घर आ गई। मॉम, ये क्या है? एक नोट। जिया, तुम एक रिडल का गलत आंसर दो प्लीज, मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी मॉम? हाँ जिया, तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हारा नाम कितनी बार बोला है? 0 times। क्या सच में? हाँ, और तुम्हारे? मेरे सोलमेट ने मेरा नाम 20 बार बोला है। वाओ, तुम कितनी लकी हो रिया। नहीं जिया, मैं नहीं, तुम लकी हो, क्योंकि तुम्हें एक नए पर्सन से मिलने का मौका मिलेगा। कम से कम तुम्हें अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और शायद तुम्हें अपने सोलमेट को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जिया बेटा, तुम्हारे भाई ने एक माफिया गैंग ज्वाइन किया है, तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना। ओके? क्या, एक माफिया गैंग? हाँ, और मैं किसी जरूरी काम से किसी दूसरी सिटी जा रही हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। ओके? मॉम, आप मुझे उसके साथ यहाँ पे घर पे अकेला छोड़ के जा रही हैं? हाँ जिया बेटा, तुम्हें अपने भाई पर नजर रखना होगा। मॉम, डरो मत जिया बेटा, तुम्हें बस दरवाजा बंद रखना है, दरवाजा मत खोलना। ओके? टिंकू, मॉम आउट ऑफ टाउन गई है, इसलिए हमें घर का ध्यान रखना होगा, तो तुम अपने किसी माफिया फ्रेंड को लेकर घर पर मत आ जाना। तुम कितना ज्यादा बोलती हो जिया, मैं वैसे भी किसी को नहीं लाने वाला हूँ। हाँ, इतनी रात में कौन आया होगा? कौन है? हैंड्स अप। रुक जाओ गाइस, इसे शूट मत करना। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, तुम्हारा नाम क्या है? जिया। देखो, तुम्हारे भाई ने हमें धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिया। हाँ? मैं लोगों की अच्छी मेमोरी देख सकती हूँ या फिर लोगों की बुरी मेमोरी? मैं लोगों की बुरी मेमोरी चूज करूंगी ताकि मैं लोगों को अच्छे से जान सकूं। मॉम, मॉम चलिए हम पास के पार्क में घूमने चलते हैं। नहीं बेटा, मुझे नहीं जाना, तुम्हें पता है पास के पार्क में कितने सारे कुत्ते हैं? क्या, बचपन में कुत्तों ने मॉम को दौड़ाया था? हाँ, जरूर मॉम ने कुत्तों से पंगा लिया होगा। रूही, मैं पार्क में ही हूँ, लेकिन तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम अभी तक नहीं आई हो? सॉरी जिया, मैं नहीं आ रही हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं अभी अभी अडॉप्ट हुई हूँ और मैं अपने नए पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, हम कल स्कूल में मिलते हैं। ओके? सब लोग अपनी अटेंडेंस बोलो। जिया प्रेजेंट सर। करण प्रेजेंट सर। रूही। रूही प्रेजेंट सर, लेट आने के लिए सॉरी। रूही, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ओ, ये चोट, वो मैं साइकिल चलाते हुए गिर गई थी। हाँ, रूही के पेरेंट्स उसे टॉर्चर करते हैं। रूही, हमें अभी के अभी पुलिस के पास कंप्लेन करनी होगी। मॉम, मॉम। हाँ जिया बेटा। मॉम, यहाँ पर लिखा हुआ कि मेरे पास सिर्फ 30 seconds बाकी है, इसका मतलब क्या है? क्या? हे भगवान, मैं अभी तुम्हें थोड़ा टाइम ट्रांसफर करती हूँ, अब तुम्हारे पास कितना टाइम है? अब मेरे पास सिर्फ 4 hours बाकी है। उफ़, थैंक गॉड, तुम बाल बाल बच गई। लेकिन मॉम, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है जिया बेटा कि तुम्हारे पास कितना टाइम बाकी है, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा टाइम कभी खत्म ना हो, वरना बहुत बुरा होगा। और मॉम, अगर मेरा टाइम खत्म हो गया तो? साफ साफ कहूँ तो तुम मर जाओगी, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारा टाइम कभी भी खत्म ना हो। जिया जिया प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या हुआ रूही? मेरे पास सिर्फ 30 seconds बाकी है, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे हेल्प की जरूरत है। जिया सॉरी रूही, लेकिन मेरे पास भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। जिया प्लीज। हाँ? क्या हुआ जिया, तुम ठीक हो? रूही को मार दिया गया है और इन सब का कारण मैं हूँ, सिर्फ मैं। इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है जिया, इन सब की जिम्मेदार गवर्नमेंट है। ओह नो, क्या हुआ? मेरा टाइम खत्म होने वाला है। जिया, मुझे अनलिमिटेड टाइम पाने का एक रास्ता पता है। क्या? वाओ, अब तो पैसा ही पैसा होगा मेरे पास, देखती हूँ मुझे क्या काम करने पर पैसे मिलते हैं। हाँ, ये अभी तक लोड क्यों कर रहा है? लगता है लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास तो सिर्फ 5 rupees है और 5 rupees से मैं बस से स्कूल नहीं जा सकती, लगता है मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। ए जिया, क्या तू बस से स्कूल जाना चाहेगी? हाँ। क्यों, पैसे है तेरे पास? नल्ली कहेंगे, चल निकल यहाँ से।
क्लास, आज मैं आप सबको आप लोगों की अर्निंग के अकॉर्डिंग एक एक ग्रुप में डिवाइड करूंगा। जिनकी अर्निंग 1,00,000 से 70,000 के बीच में है वो ब्लैक सेक्टर में है, और जिनकी अर्निंग 70,000 से 30,000 के बीच में है वो ब्लू सेक्टर में जाएंगे, और जिनकी अर्निंग 30,000 से 200 के बीच में है वो जाएंगे ग्रीन सेक्टर में। लेकिन सर, जिसके पास सिर्फ 5 रुपए हो वो? उनका एक्चुअली में कोई ग्रुप नहीं होगा। अंकल मुझे एक स्लाइस पिज्जा के दे दो ना प्लीज। अच्छा तो फिर निकालो 50 रुपए। क्या 50 रुपए? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है। क्या, जो सड़ा हुआ मुंह लेकर तुम यहाँ आई थी उस सड़े हुए मुंह को लेकर वापस चली जाओ। मुझे तो लोगों के मोजे सूंघने पर पैसे मिलते हैं, और मुझे लोगों का ब्रेकअप कराने पर। लगता है मैं हमेशा के लिए गरीबी बनकर रह जाऊंगी। हाँ, तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ? इसका मतलब मुझे लोगों को हर्ट करने पर पैसे मिलेंगे? स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को तो स्पेशल कलर मिलेंगे, ब्लैक और रेड, और इन दोनों में से कोई एक कलर चूज करने पर आपको एक सुपर पावर मिलेगी। लेकिन सर, मुझे तो तीसरा कलर भी मिला है, ब्लू। क्या ब्लू? लगता है कोई ग्लिच हुआ होगा। तुम रेड या ब्लैक में से किसी एक को चूज करना, ब्लू को चूज मत करना। ओके ओके, क्यों ना मैं ब्लू कलर चूज करूँ, क्या पता मुझे सबसे हटके पावर मिले। मुझे अभी तक मेरी पावर मिली क्यों नहीं? जिया ये देख, मेरी पावर ये है कि मैं चीजों को उड़ा सकती हूँ। तुझे कौन सी पावर मिली? मुझे नहीं पता, मुझे अभी तक कोई पावर नहीं मिली है। लगता है मैंने ब्लू कलर चूज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिया वो देख, तेरा क्रश राहुल आ रहा है। हाय जिया। हाय राहुल। जिया ये क्या, तूने राहुल को मार दिया? नहीं रिया, मैंने राहुल को नहीं मारा। हे भगवान, ये इन दोनों को क्या हुआ? रुको मैं किसी को बुलाकर लेकर आती हूँ। कमोलिका रुको। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? एक सेकंड। एंड गाइस, मेरे व्लॉग को देखना बिल्कुल मत भूलना। मैंने चैनल का नाम कमेंट पे मेंशन किया है, जाकर जल्दी से देख लो। मैं लोगों की डेथ लोकेशन देख सकती हूँ या फिर लोगों की बर्थ लोकेशन? क्या डेथ लोकेशन? मुझे लोगों की डेथ लोकेशन देखने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं यही चूज करूंगी। चमेली चल, हम कॉलेज बंक मारकर मॉल में मूवी देखने चलते हैं। हाँ जिया चल चलते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या टॉयलेट? हाँ टॉयलेट। क्या हुआ जिया? कुछ नहीं, चलो। जिया ये लो तुम्हारा घटिया टेस्ट। हाँ सर, ये मेरा टेस्ट पेपर नहीं है। ओह सॉरी, ये रहा, ये लो तुम्हारा टेस्ट। हाँ सर, आपने मुझे जानबूझ के फेल किया है। क्या कॉलेज बंक मारो तुम, क्लास में ना आओ तुम, और फेल मैंने कर दिया? पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, समझी? हाँ सर, आप कचरे में पैदा हुए थे। हाँ तुम्हें कैसे पता? इधर लाओ। जिया मैं तुम्हें A+ दूंगा, लेकिन वादा करोगे तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी? ओके चलो, मैं अपनी बर्थ लोकेशन देखती हूँ। वैसे गाइस, आप लोगों की बर्थ लोकेशन क्या है, जल्दी से कमेंट करो। क्या मुझे मेरे पापा और मेरे बॉयफ्रेंड राहुल में से किसी एक को चूज करना होगा? लेकिन मैं अपने पापा को नहीं भूल सकती, पापा का मेरे सिवाय दुनिया में और कोई नहीं है। आई एम सॉरी राहुल। हाय राहुल। हाय स्वीटी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें चूज किया है? क्या मुझे? हाँ, और मुझे पता है तुमने भी मुझे चूज किया है ना। आई एम सॉरी राहुल, मैंने मेरे पापा को चूज किया है, उनका मेरे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है। कोई बात नहीं जिया, तुमने बिल्कुल सही किया, तुम इसे रखो, ये तुम्हें सब कुछ याद दिलाने में मदद करेगा। गुड मॉर्निंग पापा। जिया बेटा, मैं तुम्हें याद हूँ? ऑफकोर्स पापा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। ओके मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय बाय। हेलो स्वीटी। एक्सक्यूज मी, आप कौन? क्या तुम्हें उस हेयर पिन से कुछ याद नहीं आया? हेयर पिन? कैसे हेयर पिन? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ जिया। लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आई एम सॉरी। कितने महीने बीत गए हैं, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया? देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए बार बार मुझसे बात करके मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। हाँ हे भगवान, मुझे कोई भी चीज टाइम पर नहीं मिलती। ये क्या है राहुल? आई रियली होप मेरा सोलमेट बिल्कुल मेरे जैसा हो। ऑफकोर्स होगा जिया, तुम इतनी प्यारी जो हो। रियली? क्या डिसलाइक? हाँ उसे मेरी नाक पसंद नहीं है, मेरी नाक क्या पकौड़े जैसी है। क्या शॉर्ट हेयर? क्या हुआ जिया? उसे मेरे शॉर्ट हेयर पसंद है। जिया क्या तुम अपने सोलमेट की पसंद को जानती हो या नहीं? नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर ये सच में कोई ग्लिच होगा? नहीं मुझे नहीं लगता कि ये कोई ग्लिच होगा। बस बहुत हुआ, मुझे 8 डिसलाइक मिल चुके हैं, ये सब कितना अजीब है, शायद ये सब कुछ सही नहीं है। क्यों क्या हुआ जिया? मेरे सोलमेट को वो सब चीजें पसंद है जो मुझ में है ही नहीं। अच्छा, अरे वो देखो न्यू लड़का, हमारे स्कूल में न्यू लड़का है, वो तो इधर ही आ रहा है। हाय मेरा नाम राहुल है। हाय एम जिया। वाओ तुम्हारी नाक कितनी क्यूट है, और तुम्हारे लंबे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, मेरे सोलमेट की नोज भी ऐसी है और उसके हेयर भी लॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं उसे चिढ़ाता रहता हूँ। क्या, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मुझे उसे तंग करने में मजा आता है, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। एक मिनट रुको, मेरे ऑप्शंस आ गए। आई चूज रेड लिपस्टिक। हाँ इसका मतलब तुम मेरे सोलमेट हो। जिया बेटा, जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब तुम्हें एक नेम मिलेगा, और याद रखना तुम्हें एक अच्छा नेम मिलना चाहिए, क्योंकि मैं हमारी फैमिली की बेइज्जती नहीं करा सकती। डोंट वरी मॉम, मुझे एक अच्छा नेम ही मिलेगा। मॉम देखो मुझे बी मिला है। बी मिलने पर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो बेटा? बी और सी कोई मैटर नहीं करता, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। पापा आपको आपका नेम कैसे मिला था? बेटा मैं तुम्हारी एज में अपने स्कूल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए मुझे एक अच्छा नेम मिला था। ओह अच्छा, इसलिए मुझे बी मिलने पर मॉम इतनी अपसेट थी।
क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? जी हाँ, मेरी मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि मुझे किलर नेम मिला है। मैं गलती से अपने रैबिट पर कूद गई थी जिसकी वजह से वो मर गया। रिया, क्या तुमने सच में अपने रैबिट पर कूद कर उसे मार दिया? हाँ, फाइनली आज मैं 18 साल की हो गई और मुझे पता है मुझे कोई ड्रावना नेम ही मिलने वाला है। बेटा, क्या तुम मुझे रोड पार करवा सकती हो? हाँ आंटी, क्यों नहीं, चलिए। चलो बेटा, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ एक मिनट, ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ लेकिन मुझे तो हीरोइन चाहिए था। मेरा सोलमेट कौन होना चाहिए, एक AI रोबोट या फिर एक ह्यूमन? क्या, एक AI रोबोट? वाओ कितना कूल ऑप्शन मिला है मुझे। जी हाँ, तुम करण के साथ मूवी गई थी? नहीं, मैं करण के साथ मूवी देखने नहीं गई थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और वहाँ पर मुझे करण भी मिल गया। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है और अगर तुम्हें मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो तुम कोई और ढूंढ लो, समझे? ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। बेवकूफ कहीं का, पता नहीं मैं इस गधेड़े से मिलती ही क्यों हूँ। तुम सच में बहुत बुरी हो जिया। क्या हुआ राहुल? तुम लोग मानोगे नहीं, उस जिया ने मुझे बेवकूफ कहा और उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और उसने मुझे ये कहा कि मैं जाकर किसी और को ढूंढ लूँ। छोड़ो राहुल, वो जिया तुम्हारे लायक है ही नहीं, तुम अपने लिए कोई और नई लड़की ढूंढ लो। हाय जिया। बोलो कोमोलिका। आ जिया, मैंने सुना है कि तेरा राहुल के साथ ब्रेकअप हो गया है। हाँ क्यों, तू क्या मुझे सिंपति देने आई है? नहीं, अगर तुझे बुरा ना लगे तो क्या मैं राहुल पर ट्राई कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच जिया, तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बाय। हाँ मैं और इसकी दोस्त, मैं रोबोट ही चूज करूंगी, कम से कम वो मेरी सारी बातें तो मानेगा। इन्फ्लुएंसर एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। इस एकेडमी में हम तुम्हें बताएंगे कि इंटरनेट पर फेमस कैसे होते हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिया है, जिया जैस्मिन। वाओ, तुम्हारा नेम कितना क्यूट है। हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारे फॉलोवर्स के काउंट में कुछ गड़बड़ है। नहीं मेरे फॉलोवर्स बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब, तुम्हारे सिर्फ 4 फॉलोवर्स है? अच्छा तो अब तुम मुझे ये बताओ, इतने कम फॉलोवर्स के साथ तुम्हें हमारे स्कूल में एडमिशन कैसे मिल गया? प्रिंसिपल सर को लगता है कि मेरे अंदर काबिलियत है स्कूल में पढ़ने की, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन दे दिया। लगता है प्रिंसिपल घसीटा का दिमाग खराब हो गया है, वो कैसे कैसे बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। हाँ आई एम सॉरी, मैं आप दोनों के बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मिस मुझे लगता है कि इस लड़की के अंदर कुछ खास बात है जिससे ये इंटरनेट पर फेमस हो सकती है। हाय मेरा नाम प्रिया है और मैं हमेशा रील्स बनाती रहती हूँ। मेरा मतलब ये है कि इस स्कूल में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मेरे ही हैं। तुम मेरे आईफोन में झांक के देखो, मैं तुम्हें अभी प्रूफ दिखाती हूँ। हे सीरी, हु इज द मोस्ट फॉलोड गर्ल इन ऑल द स्कूल? यू आर विद ओवर 10 मिलियन। प्रिया, क्या तुम मुझे कुछ टिप्स देना चाहोगी कि मैं अपने फॉलोवर्स को कैसे बढ़ा सकती हूँ? मुझे नहीं पता। गाइस फुल वीडियो देखने के लिए जल्दी से यहाँ पे क्लिक करो। क्या फोन? ऑफ कोर्स, ऐसा कौन है जिसे फोन नहीं चाहिए होगा। क्या यहाँ पर दादा और दादी के बीच ऑप्शन क्यों दिखा रहा है? वाओ मेरा खुद का अपना फोन, अब मैं इस फोन में दादाजी के साथ फोटो क्लिक करूंगी। जी बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें तुम्हारे दादाजी के घर पर जाना है। क्या लेकिन क्यों मॉम? क्योंकि तुम्हारे दादाजी की अभी थोड़ी देर पहले डेथ हो चुकी है। क्या लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। एक न्यू कार, ऑफ कोर्स, अब मैं अपनी न्यू कार में अपनी मॉम को मार्केट ले जा पाऊंगी। हाँ ये इन चॉइसेस का मतलब क्या है? मॉम हमें एक ब्रांड न्यू कार मिल गई है, आप खुश तो है ना? क्या हुआ मॉम? हमारी फैमिली डेंजर में है बेटा। डेंजर? तुम्हारा भाई मर चुका है। नहीं ये सब उन गिफ्ट के कारण हुआ है जो उन्होंने मुझे दिए हैं। मेरी वजह से मेरे दादाजी और मेरा भाई चला गया। ऑफ कोर्स मैं यही डिजर्व करती हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या तुम स्कूल के लिए रेडी हो गई और तुम्हारी रेटिंग कितनी है? मॉम मेरी रेटिंग 4.8 है और मुझे पता है इस वीक के एंड तक मेरी रेटिंग 5 हो जाएगी और फिर मैं पूरी सोसाइटी में टॉप पर आ जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है और सबके प्रति दया का भाव रखना है, और अगर तुमने सबसे सही से बात नहीं की तो लोग तुम्हें लो रेटिंग देंगे और अगर तुम्हारी रेटिंग लो हो गई तो तुम्हें पृथ्वी और सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऑफ कोर्स मॉम मैं समझ गई, बाय बाय। ओ माय गॉड रिया, तुम्हारा टॉप कितना सुंदर है, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। थैंक यू जिया, आज तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। क्या 3.8? थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू जिया बेटा, टेस्ट के पेपर चेक करने के लिए। इट्स ओके घसीटा सर, मेरे फेवरेट टीचर के लिए तो कुछ भी। आई एम सॉरी। क्या तुम्हें कोई बात नहीं, एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, इट्स ओके। वाओ कथकली, तुम कितना बढ़िया डांस करती हो। जिया मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। क्या कौन सी वीडियो? ये देख। प्लीज मुझे ब्लू कलर मिले, अगर मुझे रेड कलर मिल गया तो मेरी फैमिली मेरा खात्मा कर देगी। प्लीज वेट, ब्लैक? मुझे नहीं पता था कि ब्लैक कलर भी पॉसिबल है। चलो अच्छा है, ये रेड से तो अच्छा ही है। मॉम आपको मेरी ब्लैक ड्रेस कैसी लग रही है? हाँ
ये क्या है, तुमने ब्लू की जगह ब्लैक कलर क्यों पहना है? मॉम, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर मिला इसलिए। क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मॉम, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। चुप रहो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ ब्लू और रेड कलर मिलता है और तुम्हें ब्लैक कलर मिला है? मॉम मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ओके मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। क्या सभी को क्लास में ब्लू कलर मिला है? नहीं मुझे ब्लू कलर नहीं मिला है, मुझे ब्लैक कलर मिला है। ब्लैक जैसा कोई कलर नहीं है, सबको ब्लू और रेड कलर ही मिलता है, इसलिए झूठ बोलना बंद करो। नहीं मैम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे ब्लैक कलर ही मिला है। बकवास करना बंद करो और चलो प्रिंसिपल सर के ऑफिस। व्हाटएवर गाइस, तुम्हें पता है इस इडियट को ब्लैक कलर मिला है? हाँ जरूर, ये कलर ब्लाइंड होगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है कि मुझे ब्लैक कलर मिला है? काश मैं अपना कलर चेंज कर पाती। 10,000 रुपए या फिर 24 घंटे के लिए मैं अपने सोलमेट से बात कर सकती हूँ। इन 10,000 रुपए का मैं क्या करूँगी, वैसे भी मेरे पास तो ढेर सारे पैसे हैं, इसलिए मैं अपने सोलमेट से बात करना ही चूज करूँगी। ओह हाय सोलमेट, क्या तुम हैंडसम हो और क्या तुम्हारा फेस शाहरुख खान जैसा है? हाँ सीरियसली, क्या तुम फर्स्ट टाइम मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगी? हाँ क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया? अच्छा ये बताओ, क्या तुम पीती हो? क्या आई मीन सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह? ओह हाँ, मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत पसंद है। क्या स्ट्रॉबेरी मिल्क, तुम एक छोटी बच्चे की तरह लग रही हो, वैसे तुम्हारी एज क्या है? मैं जिया, चलो क्लब चलते हैं, मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। क्या, लेकिन देखो तो मैंने क्या पहना है। रिलैक्स जिया, मैंने भी सिंपल टी शर्ट ही पहना है, सब चलता है। अच्छा ठीक है चलो। गुड इवनिंग गाइस, क्या आप लोग कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? हाँ मुझे एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक चाहिए। क्या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक? हाँ ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है। वेट, कहीं तुम, आई होप मेरी करेंसी कोई ऐसी चीज हो जो मुझे आसानी से मिल सके, प्लीज। क्या डायमंड, ये कितना भद्दा मजाक है, अब मैं डायमंड कहाँ ढूंढती फिरूं? चंद्रमुखी तुम्हारी करेंसी क्या है? मेरी करेंसी घास है जिया। क्या सच में, ये तो मुझे चाहिए था। क्यों, तुम्हारी करेंसी क्या है? डायमंड्स। मैं एक लड़के को जानती हूँ जिया जो तुम्हें डायमंड्स दिला सकता है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ लेकिन वो थोड़ा साइको टाइप है और मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए। हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी हमें इन सब लोगों से दूर रहना चाहिए। चलो साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई है। मॉम मैं घर आ गई। क्या हुआ मॉम? बेटा मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और जिस दवा की मुझे जरूरत है वो बहुत ज्यादा महंगी है। लेकिन मॉम कोई तो रास्ता होगा? नहीं बेटा कोई रास्ता नहीं है, हमें किसी की हेल्प लेनी होगी वरना। आप टेंशन मत लो मॉम, मैं कुछ करती हूँ। चंद्रमुखी मुझे उस लड़के के पास ले चलो जो मुझे डायमंड्स दे सकता है। जिया एक बार सोच लो, क्या तुम श्योर हो? हाँ चंद्रमुखी मुझे डायमंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा ठीक है चलो। जिया यही है वो। गाइस क्या लगता है, मैंने किसे देखा होगा? जल्दी से कमेंट करो।